हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं टेक सर्च फाइल और आप लोगों को फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना वीडियो को वायरल कैसे करें, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने वीडियो को इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद फिर हम उसका थंबनेल बनाते हैं, टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये सब देने के बाद टैग वगैरह अच्छे से एसईओ करने के बाद हम अपना वीडियो को पोस्ट कर देते हैं और फिर वीडियो को हम अपना देखते हैं तो उस पर इम्प्रेशन जाता ही नहीं है, वीडियो वायरल ही नहीं होता है। तो वीडियो पे इम्प्रेशन लाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो और आप तक पहुँचती रहे। आप लोगों को YouTube पे बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएगी कि वीडियो वायरल कैसे करें, ऐसे वीडियो वायरल के होता है, इस तरह से वीडियो वायरल करो, इस तरह से अपलोड करो वायरल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी नए यूट्यूबर है उनका वीडियो वायरल करने के लिए ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ये ट्रिक अगर आप नहीं अपनाते हैं तो आपका वीडियो वायरल कभी नहीं होगा। आप 2 साल 4 साल मेहनत करते ही रहेंगे पर आपका वीडियो वायरल ही नहीं होगा। और बहुत से यूट्यूबर ये भी बोलते हैं कि वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को हमें दोबारा नहीं देखना है, क्योंकि हम वीडियो को दोबारा देखेंगे तो हमारा उस वीडियो का रैंकिंग घट जाएगा, यानी कि इम्प्रेशन घट जाएगा, उसका इम्प्रेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो हमें देखना है पर कैसे देखना है, किस तरह से अपने वीडियो को देखना है ताकि हमारा वीडियो पे इम्प्रेशन आए। तो आप जब भी वीडियो अपलोड करें ना तो आप खुद के अपने फोन से वीडियो को ना देखें। इससे क्या होता है, हमारे वीडियो का रैंक घट जाता है, यूट्यूबर को पता चल जाता है, यानी कि यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये अपना वीडियो खुद ही देख रहा है, इसकी वजह से आपका वीडियो का रैंक घटा देता है। इसीलिए आपके वीडियो पे इम्प्रेशन लाने के लिए अगर आपके घर में किसी भाई का या किसी का भी फोन है तो आप उसमें अपने वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे। यहाँ पे यूट्यूब पे जैसे ही जाएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होके आएगा। तो आप अगर आप वीडियो अपलोड कर दिए हैं तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करिए अपना वीडियो का टाइटल। जैसे ही टाइटल सर्च करेंगे तो अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपका वीडियो नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे कोने पे जाएंगे तो सर्च का, आप यहाँ कोने पे जाएंगे तो 3 डॉट का ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं सर्च फिल्टर, आपको इस पे क्लिक करना है तो फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, अपलोड डेट है यहाँ पे एनी टाइम, आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप अपने वीडियो को आधे घंटा या 1 घंटा पहले वीडियो को अपलोड किए हैं तो आप यहाँ से लास्ट आवर पे क्लिक कर सकते हैं, या आप अपने वीडियो को 1 दिन पहले वीडियो को अपलोड किए हैं तो आप यहाँ टूडे पे क्लिक करके चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लास्ट आवर पे क्लिक करता हूँ और फिर वहां से आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई का ऑप्शन, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो इस टॉपिक पे 1 घंटे से भीतर में जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सारा ऑप्शन, वो सारा वीडियो आ गया है। तो आप दूसरे चैनल से कभी भी सर्च करिए तो दूसरे चैनल होना चाहिए, दूसरे फोन होना चाहिए, उस फोन से सर्च करके आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को क्लिक करके। आप जब भी देखिए तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच करने से क्या होता है ना, यूट्यूब को भी पता चलता है कि इसका वीडियो अच्छे लग रहा है दूसरे को, तो उसका इम्प्रेशन बढ़ा देता है। तो इम्प्रेशन अगर आपको आपके वीडियो का बढ़ा दे रहा है, 100 वीडियो इम्प्रेशन बढ़ा दिया तो 100 में से अगर 20 भी देख लिया तो आपका वीडियो और भी इम्प्रेशन में चला जाएगा। तो इसी तरह से आपका वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ेगा और वीडियो को वायरल करने का यही तरीका है। तो आप हमेशा एक बात याद रखिए कि आप जब भी अपना वीडियो देखें तो आपके खुद का चैनल से नहीं देखना है, किसी और के चैनल से, यानी कि किसी के और के फोन से देखना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।